हेलो दोस्तों, टेक ब्लेडेड की पाइथन लर्निंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पाइथन लिस्ट में इंडेक्सिंग, स्प्लिटिंग एंड अपडेटिंग द लिस्ट। तो चलिए आज का हमारा ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग। देखिए दोस्तों, अगर मैंने लिस्ट इस वेरिएबल में TECH ये लिस्ट स्टोर कर दी, ये चार लेटर्स मैंने इस लिस्ट में स्टोर कर दिए, और अगर मुझे इसे इंडेक्सिंग देनी है तो मैं कैसे दूंगा? अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देनी है तो क्या टी को 0, ई को 1, सी को 2, एच को 3, 0, 1, 2, 3 ऐसे इंडेक्सिंग होती है पाइथन में, 0 से स्टार्ट होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और अगर मुझे इन्हीं लेटर्स को बैकवर्ड इंडेक्सिंग से डिनोट करना है तो मैं कैसे करूँगा? जो सबसे लास्ट है उसे हम -1 कहते हैं, जो सेकेंड लास्ट है -2, ऐसे ही -3, -4, T-4 पे आ जाएगा। तो ये है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, और ये है बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1, -2, -3, -4। देखिए लिस्ट में मैं क्या कर देता हूँ, ए नाम की लिस्ट बना देता हूँ, उसमें स्टोर कर दूंगा टी ई सी एच। टी सी एच मैंने स्टोर कर दिया ए लिस्ट में। ए लिस्ट के सेकेंड इंडेक्स पे क्या है वो जानना है तो मैं क्या करूंगा, ए का सेकेंड इंडेक्स पे क्या है रन कर देता हूँ। देखिए सी, 0 इंडेक्स फर्स्ट, सेकेंड इंडेक्स पे क्या है सी, यानी कि थर्ड पोजीशन पे। अगर मुझे ऐसे ही बैकवर्ड इंडेक्स से कुछ पता लगाना है तो देखिए प्रिंट ए के फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे मतलब बैकवर्ड इंडेक्स से कौन सी पोजीशन आ गई, -3 पोजीशन, तो -3 डाल दूंगा। तो देखिए क्या आ गया, ई -1, -2, -3। तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग करते हैं किसी भी लिस्ट में। वी कैन गेट द सब लिस्ट ऑफ लिस्ट यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स। अगर मुझे किसी भी लिस्ट की सब लिस्ट चाहिए या कोई एलिमेंट चाहिए तो मैं ये सिंटैक्स यूज करके ले सकता हूँ। देखिए क्या है सिंटैक्स, लिस्ट वेरिएबल, लिस्ट को हमने जो नाम दिया है, जो वेरिएबल दिया है वो लिस्ट, स्टार्टिंग पोजीशन, एंडिंग पोजीशन, और कितने स्टेप से हमें सब लिस्ट चाहिए। बी नाम की मैं लिस्ट बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 एलिमेंट मैंने इस लिस्ट में डाल दिए। तो अभी मुझे क्या करना है, बी लिस्ट प्रिंट करना है। देखिए बी लिस्ट में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मुझे बी लिस्ट के सेकेंड इंडेक्स से मतलब 3 से 6 तक लिस्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये कौन से इंडेक्स पे है, सेकेंड, और ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर मुझे 6 ये भी इंक्लूड करना है तो मुझे यहाँ 6 डालना पड़ेगा क्योंकि 6 ये फिफ्थ इंडेक्स पर है। तो देखिए अभी क्या आएंगे लिस्ट, 3, 4, 5, 6, मुझे 3 से 6 तक चाहिए थे, आ गई। अभी मुझे बी के फर्स्ट इंडेक्स से यानी 2 से 8 तक मुझे क्या चाहिए, अल्टरनेटिव नंबर चाहिए। लिस्ट में कौन से अल्टरनेटिव है उसकी मुझे सब लिस्ट बनानी है, मतलब 2, 4, 6 और 8 ए नंबर मुझे सब लिस्ट में चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, बी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, फर्स्ट इंडेक्स कहाँ तक चाहिए, एंड तक चाहिए, तो क्या दे दूंगा यहाँ, 7th इंडेक्स, और कितनी स्टेप के बाद चाहिए, 2 स्टेप, मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप, बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप होता है। अभी देखिए रन कर देता हूँ, आ गए देखिए 2, 4, 6। ये 8 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ 7 डाल दिया। अगर हमने यहाँ 8 डाला होता तो देखिए 8 भी आ जाता, आ गया 8 डाला, 2, 4, 6, 8, ये हुई सब लिस्ट। तो इसी तरह से हम इंडेक्सिंग या स्प्लिटिंग कर सकते हैं लिस्ट की। नेक्स्ट है अपडेटिंग लिस्ट। अगर लिस्ट का हमें कोई भी एलिमेंट अपडेट करना हो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपडेट करने हो तो हम कर सकते हैं, लिस्ट इज म्यूटेबल। हम लिस्ट के एलिमेंट्स स्लाइस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करके अपडेट कर सकते हैं। देखिए हमारी बी लिस्ट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मुझे बी में ये 3 की जगह 9 लाना है तो मैं क्या करूंगा, कौन सी पोजीशन पर है, 0, 1, 2, सेकेंड पोजीशन पर, बी सेकेंड पोजीशन इक्वल टू इसमें क्या 9 स्टोर कर दूंगा।
और उसके बाद प्रिंट कर दूंगा लिस्ट बी। तो देखिए बी के सेकेंड पोजीशन पे मैंने 9 स्टोर कर दिया और लिस्ट बी प्रिंट कर दी, तो क्या आ गया 1, 2 और 3 की जगह आ गया 9, बाकी लिस्ट है वैसे। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक साथ चेंज करने हैं तो मैं क्या करूंगा, बी समझिए मुझे 4, 5, 6 इसकी जगह 10, 11, 12 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 4 कौन सी पोजीशन पर है, कौन से इंडेक्स पर है, थर्ड इंडेक्स पर, लो थर्ड इंडेक्स से लेकर फिफ्थ इंडेक्स तक, तो मैं यहाँ 6 डाल दूंगा। और इसमें क्या स्टोर करना है मुझे, 10, 11, 12 और उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा जो भी हमारी लिस्ट है वो। देखिए आ गए 3 से 6 फिफ्थ पोजीशन तक, मैंने क्या किया 10, 11, 12 स्टोर किया, यानी कि 4 की जगह 10, 5th की जगह 11, 6th की जगह 12, तो क्या आ गया 1, 2, 9, 10, 11, 12। देखिए ये चेंज हो गया। तो इस तरह से हम लिस्ट के एलिमेंट अपडेट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।